And Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum. एक बहुत बड़े सेक्शन का कहना है कि पृथ्वी पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका काम ही है देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स का मर्डर करना। अगर वो देश वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट ना करे, और इन लोगों को प्यार से और नफरत से कहा जाता है इकोनॉमिक हिटमैन, तो क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री को और किसी भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को हर वक्त जान का खतरा बना रहता है? आज इंडिया में पहली बार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर यह बेहद ही बड़ा खुलासा किया जा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, ये फैक्ट्स हर भारतीय तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि आज 2022 में ये बातें सबका जान लेना बेहद ही जरूरी हो चुका है। और अब आप ये ग्राफ ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। 2016 में सरकार ने PSUs बेचकर 46,247 करोड़ रुपीस रेस किए, और 2017 में अचानक 1,56 करोड़ रुपीस, 2018 में 84,972 करोड़ रुपीस, 2019 में 50,298 करोड़ रुपीस, 2020 में 32,845 करोड़ रुपीस। यह आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार इन PSUs को बेच क्यों रही है? गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जनता को समझाने के लिए एक घिसा पिटा सेंटेंस, लैक ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज, लो एफिशिएंसी और पुअर मैनेजमेंट की वजह से ये PSUs बर्डन बन जाती है, और जितना मनी सरकार रेज करना चाहती है वो रेज नहीं हो पाता, तो इसलिए PSUs में हिस्सेदारी बेची जाती है। फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन, ये वो तर्क है जो आज तक जनता को बेचे जाते रहे हैं। लेकिन अब आप ये शॉकिंग डेटा देखिए और ONGC के एग्जाम्पल से समझिए। साल 2021 के पहले क्वार्टर में ONGC ने 9,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तीसरे क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट, और चौथे क्वार्टर में लगभग 11,000 करोड़ का प्रॉफिट। यानी पूरे साल 2021 में ONGC का प्रॉफिट आया 44,130,000 करोड़, जो साल 2020 में सिर्फ 11,000 करोड़ था। यानी 2020 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट 2021 में, एक्सट्रीम जंप इन प्रॉफिट। इनफैक्ट ONGC इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग PSU है। उसके बाद भी सरकार ने 28 मार्च 2022 को यह डिसीजन लिया कि ONGC का 1.5% शेयर बेच दिया जाएगा 3,000 करोड़ रुपीस रेस करने के लिए। सरकार के पहले ही ONGC में शेयर होल्डिंग 60% ही है, बहुत ही शॉकिंग डिसीजन सरकार का। इनफैक्ट UN एक्सपर्ट फिलिप एल्स्टन, उनका कहना है कि यही सबसे बड़ी गड़बड़ है कि प्रॉफिट मेकिंग PSUs को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। Is that there are actually no studies that demonstrate that privatization has positive impact. Clearly, the biggest losers in privatization, just by definition, are low-income people. क्योंकि कभी भी corporate tax dividend से ज्यादा नहीं होने वाला, तो आखिर सरकार क्यों खुद को कमजोर कर रही है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? या सरकार को कहीं से order आते हैं जिसे सरकार को मजबूरी में फॉलो करना ही पड़ता है? अब आप ये नेक्स्ट शॉकिंग बात समझिए कि जो सरकारी कंपनी या सरकारी बैंक्स बेचकर मनी रेज किया जाता है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मनी, वो आखिर जाता किधर है? ये जाता है DPAM, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक, अब ये देखिए, 16 नवंबर 2020 DPAM वर्ल्ड बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन करता है कि अब से वर्ल्ड बैंक एडवाइस करेगा DPAM को। यानी ऐसे समझिए, भारत सरकार को किस PSU को कब और कितना मोनेटाइज, यानी डिसइन्वेस्टमेंट करना है, यानी प्राइवेट हाथों में बेचना है। कौन करेगा एडवाइस भारत सरकार को? वर्ल्ड बैंक DPAM के जरिए, और ये वर्ल्ड बैंक लगभग हर देश की सरकार के साथ कर रहा है।
दरअसल वर्ल्ड बैंक और IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनकी पॉलिसीज जब आप पढ़ोगे तो उनका काम ही है दुनिया को प्राइवेटाइज करना। अब प्राइवेटाइजेशन बेटर है या नहीं ये हम एंड में देखेंगे, पहले आप ये सब इम्पोर्टेंट बातें समझिए। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, एम है पॉवर्टी रिडक्शन और वो होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के जरिए, और वो किया जाता है वर्ल्ड बैंक की थर्ड और फोर्थ आर्म IFC और MIGA के जरिए। वर्ल्ड बैंक अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि 1991 से 1994 के बीच 12,000 गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया गया। 1990 से 2003 के बीच $410 बिलियन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इनफैक्ट अकेले साल 2006 में $105 बिलियन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज में। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नंबर्स है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक तो कहता है एजुकेशन, वाटर, बैंक्स, ये सब ही प्राइवेट होने चाहिए। वर्ल्ड बैंक के शब्दों में कहे तो देर आर वर्चुअली नो लिमिट्स टू प्राइवेटाइजेशन। दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, लास्ट वीडियो में आपने डिटेल में देखा था। विकिपीडिया पर पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही लॉबिंग है। लॉबिंग यानी कि कॉरपोरेट्स के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिएट करवाना, और ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं उस मिस्टीरियस डावोस की मीटिंग में। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि वो 2030 तक द ग्रेट रीसेट लाना चाहते हैं, जहां पर स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म होगा और लगभग सब कुछ प्राइवेट ओन करेंगे। और दोस्तों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी है, ये और ये वाली, तो आप हर हाल में देखें। इस वीडियो के एंड में इन दोनों का लिंक हमने लगा दिया है। तीसरा, IMF, उसने अपनी ई लाइब्रेरी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो अपने लोन पर प्राइवेटाइजेशन कंडीशन लगाएगी क्रेडिबिलिटी बोनस की वजह से। क्रेडिबिलिटी बोनस यानी कि IMF का कहना है कि जब कोई देश उनसे लोन लेता है तो वो देश इन्वेस्टर्स की नज़रों में सेफ हो जाता है, यानी उस देश का क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है। तो बदले में देश को IMF की पॉलिसीज माननी पड़ेंगी अब, क्योंकि IMF ने उनका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर दिया है लोन देकर। तो यहाँ से थोपी जाती है प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज क्रेडिबिलिटी बोनस के बदले में। आप ये एक एग्जाम्पल देखिए, 2018 में IMF ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी और कहा था कि जल्द ही बैंक्स को प्राइवेटाइज कर लो, और रिपोर्ट निकाली कि प्राइवेटाइजेशन विल टेक केयर ऑफ द गवर्नेंस इशू। और आज बैंक्स प्राइवेटाइजेशन आपकी आंखों के सामने शुरू हो चुके हैं, बैंक्स कर्मचारियों की प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है। और ये प्राइवेटाइजेशन आज हर सेक्टर में हो रहा है, जैसे वाटर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस। गवर्नमेंट के कंधों से वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिक पर गोलियां चलाते हैं और जनता सरकार के पुतले जलाती है, क्योंकि जनता को लगता है डिसीजन सरकार ले रही है, लेकिन अधिकतर डिसीजन ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स और MOUs के जरिए देशों पर थोपे जाते हैं। क्योंकि कैपिटलिज्म के मॉडल में गवर्नमेंट की मजबूरी होती है लोन लेना, कि सरकार और जनता के दिमाग में भरा गया है कि डेफिसिट बजट ही बनाना चाहिए डेवलपमेंट को पुश करने के लिए, और एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसीज थोप पाते हैं। ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखी, इनके मेन एम्स में से एक बहुत बड़ा एम है ज्यादा से ज्यादा दुनिया प्राइवेटाइज हो जाए, जिसके थ्रू वो बोलते हैं द ग्रेट रीसेट आएगा, जिसका मोटो है यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी बाय 2030, जिसमें वो दुनिया को पूरा प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग समझा रहे हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप ध्यान से समझना, अगर हमारे देश की सरकार इनकी बात ना माने और मना कर दे कि हम वर्ल्ड बैंक तुम्हारी पॉलिसीज मानना तो दूर, हम लोन भी नहीं ले रहे तुमसे, क्योंकि क्या पता कोई देश ऐसे डेवलप हो पाए कि उसे उधार मांगने की जरूरत ही ना पड़े, यानी कंप्लीटली आत्मनिर्भर हो, तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर ऐसा देशों ने किया तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत ही वीक हो जाएगी। इसका जवाब बहुत ही अजीब और डरावना है। जॉन पर्किंस, जो कि एक इकोनॉमिक हिटमैन रह चुके हैं, जिनका काम होता है किसी भी हालत में देशों पर लोन चिपकाना ताकि देश डेट ट्रैप में फंस सके, और अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लोन लेने से मना कर दे तो उस नेता का मर्डर कर दिया जाए। जी हाँ, मर्डर। ये सुनने में अजीब लग सकता है किसी को,
लेकिन ये बात जॉन पर्किंस, जो खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन रह चुके हैं, वो अपनी बुक में लिखते हैं। थैंक यू। I stood in front of the Shah of Iran, the presidents of Indonesia, Ecuador, Panama, members of the Royal House of Saudi Arabia, and I've said something like, in this hand, I have millions of dollars for you and your friends if you play our game. In this hand, I have a gun in case you decide not to. Now, my लेकिन क्या पता जॉन पर्किंस झूठे हो, है ना? ऐसे ही थोड़ी किसी के भी नेता का मर्डर कर देंगे, है ना? तो आप ये देखिए, यूएसए और इजराइल पूरी दुनिया में अकेले ऐसे दो देश हैं जहां गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसीज का हिस्सा है असैसिनेशन, जिसे टारगेटेड किलिंग भी कहा जाता है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हिस्सा है। आप यूएस कोड 50 इसके अंडर ये सब पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आप ये देखिए, ये CIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हाल ही में डीक्लासिफाई किए गए हैं, जिससे पूरी दुनिया को फाइनली स्पष्ट हो गया है कि हाँ, यूएसए इकोनॉमिक हिटमैन को हायर और ट्रेन करती है, जिसका काम होता है कि अगर कोई भी देश की सरकार पॉलिसीज के अगेंस्ट जाए तो उसका असैसिनेशन किया जाएगा। पर्किंस कहते हैं कि लिबिया के गद्दाफी के साथ भी हम लोगों ने ठीक यही किया। दरअसल लिबिया के पास बहुत ज्यादा गोल्ड और ऑयल था, जिससे लिबिया इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और सबसे बड़ा इशू, लिबिया के बैंक में 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, यानी कि किसी भी तरह से वर्ल्ड बैंक और IMF लिबिया में घुस नहीं पा रहे थे, और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा, गद्दाफी गोल्ड दिनार नाम की नई करेंसी ला रहे थे पूरे अफ्रीका और अरब नेशंस के लिए, जो गोल्ड और पेट्रोल से बैक थी, और ये इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वर्ल्ड बैंक को निश्चित ही धराशायी कर देती। ये एलिट्स जान चुके थे। They love me, all my people with me. They love me all. 20 अक्टूबर 2011 गद्दाफी का मर्डर हो गया, और उनके आखिरी शब्द थे कि यूएस की कॉन्स्पिरेसी ने मुझे मारा है। इक्वेडोर और पनामा भी एक्सट्रीमली सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे थे नई ऑयल फील्ड डिस्कवरीज की वजह से, और इस वजह से वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की थोपी हुई पॉलिसीज, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, पेट्रोडॉलर, इन डील्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जॉन पर्किंस कहते हैं कि इस वजह से इन दोनों प्रेसिडेंट्स का मिस्टीरियस प्लेन क्रैश के थ्रू असैसिनेशन कराया गया। तो क्या इंडिया के हेड्स के साथ भी ये होना संभव है? दोस्तों, भारत बहुत पावरफुल देश है, डेफिनेटली इंडिया के लीडर्स के साथ ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर के लिए ट्रिगर इवेंट भी बन सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इतना भी असंभव नहीं है। इनफैक्ट आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ टिकट्स पहले जब इंडिया इतना पावरफुल नहीं था, तो कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस हिट लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू का भी नाम शामिल था। लेकिन आज 2022 में डायनेमिक्स बिल्कुल बदल चुके हैं, और अब इनका बहुत बड़ा हथियार हो चुका है लॉबिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया की मदद से अपनी पसंद की सरकार खड़ी करना और गिराना, जिसका असला और बारूद आपके हाथों में रखे हुए मोबाइल फोन्स हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब किसी भी सरकार को कोई अजीब डिसीजन लेते हुए देखते हैं, तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे बिग पिक्चर के साथ देखेगा। आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये जान लें कि सारा सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।